नमस्कार दोस्तों, आज 28 फरवरी है, बुधवार का दिन है और आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि में संचार करते हुए देर रात को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। आज का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मेष राशि, चंद्रमा आज आपके छठे भाव में रहेंगे, इसलिए शत्रु पक्ष से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपके शत्रु आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में होने वाले परिवर्तन आपको परेशान कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को उदर से संबंधित स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें। वृषभ राशि, चंद्रमा आज के दिन आपके पांचवें भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए प्रेम संबंधों में आज के दिन अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस राशि के जो विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए दिन काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इस राशि के जातकों को संतान पक्ष से भी आज के दिन अच्छी खबर मिल सकती है। मिथुन राशि, चंद्रमा आज आपके चौथे भाव में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी आज के दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं उनको आज के दिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिल सकती है, जिससे आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि, आज के दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप जो भी कार्य करेंगे उसमें पूरी ऊर्जा लगाएंगे। पारिवारिक जीवन में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। बीते समय में किए गए निवेश से भी आप लाभ पा सकते हैं। सिंह राशि, आपकी वाणी में आज के दिन आकर्षण देखने को मिलेगा। अपनी बातों से आप सामाजिक स्तर पर अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति में भी इजाफा देखने को मिलेगा। माता या पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिशें आज आप कर सकते हैं। कन्या राशि, आज आप अपने व्यवहार में बेहतर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे और इन कोशिशों में आप कामयाब भी हो सकते हैं। बीते समय में किसी के साथ दुर्व्यवहार अगर आपने किया था तो आज उसका आप पछतावा कर सकते हैं और व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं। चंद्रदेव आज के दिन आपके प्रथम भाव में रहेंगे, इसलिए मानसिक रूप से आप काफी संतुलित महसूस करेंगे। तुला राशि, आज के दिन आपके द्वादश भाव में चंद्रमा का होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन से जुड़े मामलों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने से आपको बचना होगा। इस राशि के उन जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा जो विदेशों से जुड़ा कारोबार करते हैं। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में होंगे, इसलिए आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। आपके संचित धन में वृद्धि हो सकती है। इस राशि के उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा जो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं। उन लोगों से आपको बचकर रहना होगा जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। धनुराशि, चंद्रमा आज आपके दशम भाव में होंगे, इसलिए करियर के क्षेत्र में आपको उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। करियर क्षेत्र में जो भी परेशानियां आ रही थी उनका हल आप ढूंढ सकते हैं। पिता के साथ किसी तरह का मनमुटाव था तो वो आज के दिन दूर हो सकता है। मकर राशि, धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में मकर राशि के जातकों की रुचि बढ़ेगी। इस राशि के कुछ जातक अपने परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। मकर राशि के जो लोग उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रह सकता है। कुंभ राशि, आपके अष्टम भाव में चंद्रमा का होना आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। हालांकि इस राशि के कुछ जातकों को आज के दिन अचानक से धन लाभ भी प्राप्त होने की संभावना है। मीन राशि, आपके सप्तम भाव में आज के दिन चंद्रमा विराजमान होंगे, इसलिए वैवाहिक जीवन में सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। इस राशि के कुछ लोग अपने पिता से करियर में आ रही परेशानियों का जिक्र कर सकते हैं और उनको अच्छी सलाह भी मिल सकती है। इसके साथ ही कोई खुशखबरी भी इस राशि के कुछ जातकों को आज के दिन मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार। We'll be right back.